राम राम सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है ऑल न्यू होंडा की अमेज। इसका वेरिएंट जो है वीक्स वाला है, सीवीटी गियरबॉक्स के साथ में, यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर। कार के अंदर आपको 5 डिफरेंट कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। आज जो मेरे साथ है इसका ग्रे कलर है। कार के साथ में सिर्फ 2 की देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको मिलता है लॉक अनलॉक। ऐसा होल्ड कर रखेंगे तो इसका आप बूट एक्सेस कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो होल्ड ऐसे करके रखना, तो ऐसे करके ही आपका बूट जो है ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं वापस फ्रंट की तरफ में और बात करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ होंडा का लोगो देखने मिलता है, यहाँ पर वो क्रोम का यूज़ करा गया। नीचे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट देखने को मिलती है, टोइंग हुक देखने मिलता है। फॉग लैंप की बात करें तो ये आपको एलईडी सेटअप में मिल जाता है, वाइट लाइट के साथ में। ऊपर साइड में प्रोजेक्टर मिलता है हाई और लोगिंग के लिए, ये भी आपको वाइट लाइट के साथ मिलता है एलईडी सेटअप के अंदर। तो देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट हेलोजन है और नीचे यहाँ पे डीआरएल है। इधर बात करें तो 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर के अंदर ड्रम ब्रेक, एलॉय व्हील की देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की डिजाइन देखने मिलती है। इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो 175/65R15 इंच के इस टाइप के आपको एलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं। ORM की बात करें तो इलेक्ट्रिक एडजस्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक फोल्ड हो जाते हैं। बॉडी कलर आपको देखने मिलते हैं, ऊपर तरफ में शार्पन एंटीना भी आपको बॉडी कलर देखने मिलता है। कार को एक बार लॉक करते हैं, देख सकते हैं मैंने लॉक कर दिया, वापस दिखा देता हूँ। चाबी रखता हूँ जेब में, जैसे कार के पास में जाऊँगा हाथ अंदर करूँगा तो कार आपकी अनलॉक हो जाएगी। दोनों साइड मिलता है आपको, ड्राइवर साइड भी और को पैसेंजर साइड भी। यहाँ पर इसको लॉक करने के लिए बटन दे रखा है और वापस हाथ डालेंगे तो ऐसे ही करके अनलॉक हो जाएगी कुछ इस टाइप से। यहाँ पे अगर बैटरी लो है तो इनकेस, तो यहाँ लॉक अनलॉक के लिए मिलता है। और यहाँ पे आपको क्रोम हैंडल देखने को मिलते हैं पीछे की साइड में भी। तो ये है होंडा की अमेज। वेरिएंट की बात करें जो मेरे सामने खड़ा है, ये इसके अंदर VX वेरिएंट है। इसके अंदर आपको 5 डिफरेंट कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। कार के साथ आपको 2 रिमोट कंट्रोल की मिल जाती है, जिसके अंदर आपको लॉक मिल जाता है, अनलॉक मिल जाता है। लॉक अनलॉक पे ऐसे कुछ लाइट जलेगी, मिरर इसके फोल्ड नहीं होते। साथ ही साथ तीसरे बटन से इसका बूट आप एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे होल्ड करके रखेंगे तो इसका बूट ऐसे ओपन हो जाएगा। तो आप की से ही इस टाइप के आपको बूट ओपन करने के लिए फीचर मिल जाता है। फ्रंट में आपको यहाँ पे देख सकते हैं होंडा का लोगो मिल जाएगा क्रोम के अंदर। ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे क्रोम देखने के लिए मिल जाएगा ग्रिल के साथ में। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर दे दिया है, जिसके अंदर आपको व्हाइट लाइट के लिए मिलता है हाई और लो बीम के लिए। नीचे की साइड में आपको फॉग लैंप दे दिया है, ये भी प्रोजेक्टर साथ में, ये भी व्हाइट लाइट के साथ मिलता है। फॉग लैंप के अंदर भी आपको साइड के अंदर यहाँ पे क्रोम देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में कुछ ऐसे ग्रिल देखने के लिए मिलती है, फ्रंट से ऐसा कुछ लुक। हुड के अंदर भी आपको यहाँ पे डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगी दोनों साइड में। साथ ही साथ यहाँ पे इसके अंदर आपको DRL मिल जाती है। इंडिकेटर लाइट की बात करें तो ये आपको हेलोजन बेस मिल जाती है इसके अंदर। और देख सकते हैं लाइट के अंदर भी आपको क्रोम मिल जाएगा इनसाइड। इस टाइप के आपको एलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। फ्रंट एलॉय व्हील ऐसे कुछ देखने मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। इसके अंदर जो टायर प्रोफाइल मिलती है वो मिलती है आपको 175/65R15 इंच के इस टाइप के एलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं। सेंटर में होंडा का लोगो मिल जाएगा आपको। ORM की बात करें तो ये आपको बॉडी कलर मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ टर्न इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फोल्ड और इलेक्ट्रिक एडजस्ट के लिए मिलते हैं। अभी मैं एक बार गाड़ी को लॉक कर देता हूँ और की मेरी जेब में डाल देता हूँ मैं। उसके बाद देख सकते हैं मैं इसके पास में से आऊँगा तो गाड़ी इसकी अनलॉक हो जाएगी। और डोर हैंडल पर भी आप क्रोम देखने के लिए मिल जाता है पीछे की साइड में भी। यहाँ पे इसके अंदर आप फिजिकल की लगा के इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ शार्पन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। डोर की बात करें तो इतना वाइड ओपन हो जाता है। इसके अंदर देख सकते हैं आपको ब्लैक एंड बेज के अंदर आपको इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है। यहाँ पे इसके अंदर फैब्रिक देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारे विंडो से कंट्रोल, 1 लीटर की बोतल रखने के लिए मिल जाती है आपको। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है आपको। यहाँ पे सारे विंडो से कंट्रोल मिल जाते हैं। ऑटो 1 टच डाउन आपको खाली ड्राइवर साइड मिलता है, बाकी सारे नॉर्मल मिलते हैं। यहाँ पे स्पेस देखने के लिए मिलता है, यहाँ पीछे की विंडोज़ को लॉक करने के लिए, लॉक अनलॉक के लिए, इलेक्ट्रिक एडजस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फोल्ड करने के लिए। और यहाँ लेफ्ट और राइट वाला कौन सा मिरर सेट करना है उसे कंट्रोल दे रखें। यहाँ पे आपको इसके अंदर सिल्वर फिनिश मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। फ्रंट सीट की बात करें तो ये आपको 8 वेजेस मिलती है। सीट की बात करें तो इस टाइप की आपको फैब्रिक देखने के लिए मिलेगी स्टिचेस के साथ में। तो इस टाइप की कोई सीट मिल जाती है, मैं आपको सीट पे बैठ के बताऊंगा फिर किट क्वालिटी कैसी मिलती है। यहाँ से इसका आप बूट ओपन कर सकते हैं। फ्यूल टैंक ओपन करना उसके लिए यहाँ पे आपको बटन दे रखा है, जिस पर आपको बैज बना मिलेगा। यहाँ से इसका आप हुड ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लाइट के लेवल सेट करने के लिए मिल जाता है। और देख सकते हैं इसके अंदर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है ये इस टाइप से आपको ब्लिंक करेगा जब तक आप गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे। मैं अंदर बैठ बात करें कार के इंटीरियर की, इंटीरियर आपको मिलता है ब्लैक एंड बेज के अंदर। यहाँ पे ORM में आपको मैनुअल एडजस्टेबल मिलता है। यहाँ आपको लाइट मिल जाती है हेलोजन सेटअप में। पीछे की साइड में भी आपको एक लाइट मिल जाती है हेलोजन सेटअप में, जिसको ऑफ करने के लिए मिल जाता है, चाहे तो डोर पे रख सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको प्लेन, इधर मिलता है आपको वेंटिम मिरर। तो यहाँ AC वेंट मिलता है, 7 इंच का यहाँ टच स्क्रीन मिलता है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन है, देख सकते हैं। अभी मैंने कार ऑन नहीं करी तो कैसे ब्लिंक कर रहा है, और जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो ये रेड हो जाएगा। और ऐसे कार ऑन होगी तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और ऐसा कुछ साउंड आएगा। होंडा का लोगो देखने मिलता है। तो इसके अंदर आपको वायरलेस के थ्रू मिलेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ में, FM रेडियो सब कुछ। यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना है तो बटन्स प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें वॉल्यूम आपको यहाँ पे वॉइस कमांड देने के लिए, साथ ही साथ
और यहाँ पे डायरेक्ट आप मेन्यू में जाने के लिए मिल जाता है, जैसे ऑडियो यूएसबी वीडियो भी चला सकते हैं कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के साथ में, इसको डायरेक्ट ऑफ कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ से रेडी कंट्रोल, यहाँ पे इसके अंदर आपको ग्लॉस का यूज़ करा गया है। नीचे साइड में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है मैक्स कूल के साथ में, फ्रंट और रियर के डिफोगर के साथ में, इधर फैन के ब्लोअर के लिए मिलता है, इधर टेम्परेचर सेट करने के लिए मिल जाता है। नीचे साइड में यहाँ पे आपको इसके अंदर सीवीटी गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जर लगाने के लिए मिलता है टाइप ए के साथ मिलता है, और इधर मिलता है टाइप ए। तो ये मिलता है 1 वोल्ट का, ये मिलता है आपको 1.5 वोल्ट का। यहाँ दो आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, गेयरबॉक्स देख सकते हैं, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स, तो इस टाइप का मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसके अंदर क्रोम का यूज़ करा गया है। हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है, जैसे भी हैंड ब्रेक नीचे है पार्किंग में रहेगा तो आपको ऑटो होल्ड पे है भी गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली, फिर भी मैं इसके अंदर हैंड ब्रेक लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मिल जाता है एक आपको एक और कप होल्डर, स्टीयरिंग व्हील ऐसा कुछ देखने मिलता है, नीचे की साइड में एक लीवर दे रखा है। स्टीयरिंग की बात करें टिल्ट मिलता है ओनली, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। इधर मिलता है आपके लाइट के लेवल सेट करने, नीचे साइड में मिलता है फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए। इसका कार के अंदर आपको चार स्पीकर प्रोवाइड कराए गए हैं म्यूजिक सिस्टम के साथ में। यहाँ पे प्रॉपर डेड पेडल मिल जाता है दोनों पेडल के साथ में। स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर ऐप नहीं मिलती, बट यहाँ पे रबड़ ग्रिप देखने के लिए मिलती है। टच डाउन ड्राइवर साइड मिल जाता है कुछ इस टाइप से, और वन टच अप मिल जाता है बाकी नॉर्मल। पीछे वाले विंडो को लॉक करने के लिए, कार को लॉक अनलॉक के लिए मिल जाता है। ये आपको एडजस्ट करने मिलता है इलेक्ट्रिक फोल्ड और इलेक्ट्रिक अनफोल्ड के लिए मिलता है, और साथ साथ इलेक्ट्रिक एडजस्ट करने के लिए स्पेस दे रखा है आपको। 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं। स्पीकर यहाँ फैब्रिक का यूज़ यहाँ करा गया है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का, यहाँ पे सिल्वर फिनिश का यूज़ करा गया। और सीट बेल्ट कुछ ऐसी देखने को मिलती है, एडजस्टेबल में नहीं मिलती। यहाँ पे इस साइड भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, तो फ्रंट में दो, पीछे साइड में आपको दो ग्रैब हैंडल मिलते हैं। सीटें जो हैं सारी आपको फैब्रिक देखने को मिलेगी कुछ इस टाइप से, ये आपको बेज कलर के अंदर देखने मिलती है, इधर दिखा देता हूँ ढंग से कुछ इस टाइप से, और यहाँ स्टिचेस देखने के लिए मिलती है। तो ये मिलती है आपको 6 वे एडजस्ट, मेरी साइड वाली मिलती है आपको 8 वे एडजस्ट। ओवरऑल देख सकते हैं इंटीरियर काफ़ी अच्छा मिलता है इसके अंदर, काफ़ी नीट एंड क्लीन सेडान के हिसाब से। यहाँ पे भी आपको इसके अंदर सिल्वर टच दे रखा है। अब बात करें इसे क्लस्टर के लिए, तो ये आपको सेमी डिजिटल मिल जाता है, एनालॉग प्लस डिजिटल, जिसे कंट्रोल आपको यहाँ दे रखा है, ट्रिप ए ट्रिप बी, जिसके अंदर ड्राइविंग रेंज देख सकते हैं, एवरेज देख सकते हैं, आप टाइम देख सकते हैं और एग्जैक्ट किलोमीटर देख सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग पे है तो पार्किंग, फ्यूल के लेवल यहाँ पे आपको एवरेज देखने को मिलेगा। इसके अंदर फ्यूल वार्निंग, अभी डोर ओपन है यानी मेरा बूट ओपन है इस कार का, तो उसके लिए यहाँ पे भी वार्निंग आ रही है, सीट बेल्ट वार्निंग भी, हैंड ब्रेक अभी लगा तो हैंड ब्रेक के लिए वार्निंग, बैटरी के अंदर कोई फॉल्ट आएगा मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी या फिर ऑयल लीकेज होगा तो उसके लिए भी यहाँ पे फॉल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस टाइप का आपको क्लस्टर देखने मिलता है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, ये आपके लिए काफी अच्छी बात है। होंडा का लोगो देख सकते हैं, क्रोम के अंदर मिल जाता है। इधर मिल जाते हैं आपको कंट्रोल जो आपको वॉल्यूम के लिए मिलते हैं, फोन उठाने काटने के लिए, वॉइस कमांड के लिए। पेडल शिफ्टर यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको फ्रंट के वाइपर कंट्रोल मिलते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाती है आपको हाई बीम और लो बीम के साथ में, साथ साथ इंडिकेटर के दोनों साइड मिल जाता है इसके अंदर वर्क करने के लिए। कार के सेफ्टी वाइज फीचर्स की बात करें तो 1 बीप करने वाला 80 पे, 120 पे कंटिन्यू बीप करेगी। इसको ग्लोबल इनकैप ने 4 स्टार रेटिंग प्रोवाइड करेगी। कार के अंदर आपको 2 एयरबैग देखने मिलेंगे, एक इधर एक इधर। और बात करें तो इसके अंदर चाइल्ड सीट अनोच पॉइंट देखने मिलता है पीछे की साइड में, साथ ही साथ सीट बेल्ट वार्निंग देखने मिलेगी। ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन की बात करूं कार के अंदर, तो इसके अंदर आपको ABS मिलता है, EBD मिलता है यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग फोर्स डिसेबल वाला, और हील्ड होल्ड कंट्रोल मिल जाता है। तो इस टाइप के इसके अंदर आपको सेफ्टी वाइज फीचर्स मिल जाते हैं कार के अंदर। तो फ्रंट सीट देख सकते हैं मैंने पूरा पीछे कर रखा है, अगर मैं इसको आगे कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन है सेडान के अंदर। तो नी रूम देख सकते हैं अच्छा खासा, हेडरूम भी अच्छा खासा, वाली सीट पे मैं आ चुका हूँ। थाई सपोर्ट तो मुझे अच्छा खासा मिल जाता है, सीट मैंने रिक्लाइन कर रखी है तो उसके बाद ही मुझे थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है। अगर मेरे हिसाब से कोई चलाएगा तो ऐसे मुझे स्पेस मिलेगा, बाकी नॉर्मली वैसे रहेगा तो आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। नीचे ना के बराबर हम मिलता है 12 वोल्ट का एक चार्जर लगाने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। पीछे साइड में पीछे से कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने मिलता है। यहाँ पर इसके अंदर एक आर्म रेस्ट मिल जाता है आपको तीनों पैसेंजर के सीट बेल्ट के साथ में, 2 कप होल्डर यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट वाले आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, हेडरेस्ट पीछे वाले आपको फिक्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे मिल जाता है इसका ड्रम ब्रेक पीछे वाला, और यहाँ पे आपको डिफोगर मिल जाता है, IVTEC का यहाँ बैच देखने मिलता है, अमेज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये आपको इसके अंदर क्रोम के अंदर देखने मिलता है, होंडा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। इसकी रियर टेल लाइट की बात करें तो ये तो LED मिलती है, जो इंडिकेटर लाइट है ये हैलोजन सेटअप मिलती है, साथ साथ रिवर्स लाइट भी आपको हैलोजन सेटअप मिलती है। पीछे की साइड में 4 पार्किंग सेंसर, साथ साथ यहाँ पे आपको क्रोम का यूज़ करा गया। नॉन फंक्शनल आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिलता है। अब बात करें तो 420 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। ओवरऑल देख सकते हैं स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। स्पेयर व्हील की बात करें तो ये आपको स्टील रिम मिलता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये मिलता है 175/65R 15 इंच का आपको स्टील रिम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे मिलती है इसके अंदर नंबर प्लेट की लाइट, ये भी आपको LED देखने के लिए मिलती है। नीचे यहाँ पे बटन दे रखा है जिससे आप इसका बूट एक्सेस कर सकते हैं, अगर बंद है तो। मैं दिखा देता हूँ, बटन जो है ऐसे प्रेस करेंगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसके अंदर हाई स्टॉप लैंप मिल जाता है,
30 लीटर का यहाँ पे आपको पेट्रोल का टैंक देखने को मिलता है। कार की साइड प्रोफाइल कुछ ऐसे देखने मिलती है। अगर इस वेरिएंट की वारंटी पीरियड की बात करूँ तो आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ में। हुड ओपन करते हैं फिर इंजन की बात करते हैं। तो कार का हुड ओपन हमारा देख सकते हैं, इंजन में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इंजन जो है 1200 cc वाला 4 सिलेंडर के साथ में जो पावर प्रोड्यूस करता है 89 bhp। टॉर्क की बात करते हैं 110 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये 6 फेज्ड वाला इंजन है फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में। एवरेज की बात करें तो 18.5 किलोमीटर का आपको एवरेज क्लेम करती है एयर आई, बट आप मेरे हिसाब से चलाएंगे इसको पेट्रोल के अंदर CVT गियरबॉक्स के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो आपको सिटी के अंदर ये 15-16 का देगी, हाईवे के अंदर ये आपको 19 का एवरेज दे सकती है। मेनली आपके चलाने पर डिपेंड करेगा। होंडा अमेज VX ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये मिलती है आपको 9,76,900 rupees जयपुर राजस्थान के अंदर। स्टेयरिंग व्हील कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, यहाँ सिल्वर फिनिश मिलती है आपको। स्टेयरिंग की बात करें इसके अंदर नीचे की बटन दे रखा है जिससे आप स्टेयरिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये खाली टिल्ट मिलती है आपको, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है। सेंटर में होंडा का लोगो मिल जाता है, क्रोम फिनिश के अंदर मिलता है। इधर क्रूज कंट्रोल के लिए बटन दे दिए, यहाँ पे आपके मीडिया के लिए बटन दे दिए, फोन कार्ड उठाने के लिए मिलता है, काटने के लिए मिलता है, बैक जाने के लिए और वॉइस कमांड के लिए मिलता है। यहाँ सोर्स के लिए सारी चीजें मीडिया के लिए मिल जाती है आपको। इधर वाइपर के कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं, इधर ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाती है, साथ ही साथ ये आपको हाई बीम के लिए मिलती है और इंडिकेटर की लाइट भी यहाँ मिलती है। यहाँ पुश स्टार्ट के लिए बटन मिल जाता है, लाइट के लेवल सेट करने के लिए देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर देख सकते हैं एसी वेंट के लिए यहां से बंद चालू कर सकते हैं, पर्टिकुलर आपको इधर की बंद करनी है। यहां पे इनसाइड आपको इसके अंदर सिल्वर फिनिश में देखने के लिए मिलेगा। MID क्लस्टर कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ये एनालॉग प्लस डिजिटल मिल जाएगा, डिजिटल आपको खाली सेंटर मिलेगा। यहां से इसके अंदर देख सकते हैं फ्यूल का लेवल आपको डिजिटल मिलेगा, साथ ही साथ फ्यूल के लिए वार्निंग मिलेगी, तो यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं जैसे आपको चाहे। एग्जैक्ट रेंज देख सकते हैं आप, डिजिटल एवरेज निकाला वो देख सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप भी देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं टाइम सेट करने के लिए एग्जैक्ट किलोमीटर। तो इस टाइप से आपको यहां पर डिजिटल के लिए चेंज करने के लिए यहां पर बटन दे रखा है। ऐसा एनालॉग आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। आप जैसे डोर ओपन है, हुड ओपन है, तो उसके लिए यहां पे आपको वार्निंग मिलेगी। सीट बेल्ट के लिए भी आपको ये वार्निंग देखने मिलेगी और हैंड ब्रेक के लिए भी दिखेगी। यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट का कंट्रोल दे रखा है, ये जो है ये आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जिसके अंदर आपको डिफोगर के लिए, रियर डिफोगर के लिए, मैक्स कूल के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ मिल जाता है सिंगल जोन और ये इसके अंदर हीटर और एसी का दोनों काम करेगा। ऊपर साइड में देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर टच स्क्रीन मिलता है, ये 7 इंच का मिलता है जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस से मिलता है और नॉर्मल लगाना चाहें तो वो मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, FM रेडियो सारी चीजें मिल जाती है ऑक्स के साथ में। प्लस माइनस के लिए बटन दे रखें, यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए मिल जाता है, एक्स्ट्रा आप चाहें तो यहाँ पे आपको बटन भी दे रखे। इधर देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाती है, यहाँ आपको हल्की सी रबड़ ग्रिप, यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का आपको डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ एसी वेंट, ओआर में बात करें तो ये मैनुअल एडजस्टेबल मिल जाता है। यहाँ पे हेलोजन बेस आपको लाइट देखने के लिए मिल जाएगी। इधर आपको कुछ नहीं मिलता टोल रिसीप के लिए, बट इस साइड आपको यहाँ पे वेंटर मिरर देखने के लिए मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स की बात करें तो इस टाइप का आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर स्पेस, आपको गाड़ी की डायरी, साथ ही साथ फर्स्ट एड किट, ये सारी चीजें इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ पे नीचे साइड में आपको एक 12 वोल्ट का चार्जर लगाने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर 1.5A के लिए मिल जाता है टाइप ए, यहाँ पे भी टाइप ए, तो आपको दो इसके अंदर टाइप ए इसके अंदर USB मिल जाएगा। यहाँ स्पेस, दो कप होल्डर, 5 स्पीड का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। मैं रिवर्स कैमरे की भी आपको क्वालिटी चेक करवा देता हूँ, तो इस टाइप के आपको रिवर्स कैमरे की क्वालिटी मिल जाएगी जिसके अंदर आपको 3 इसके अंदर मोड मिल जाते हैं, ज्यादा जूम करने के लिए, थोड़ा कम जूम करने के लिए और पूरा आपको वाइड देखने के लिए। एक कप होल्डर मिल जाता है, छोटा सा आपको डेट पेडल मिल जाता है। ओवरऑल डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करें इसके अंदर VX वेरिएंट के अंदर, इसके अंदर आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं। सेफ्टी वाइज फीचर्स के अंदर 2 एयरबैग मिलते हैं, ओवर स्पीड वार्निंग देखने को मिलेगी, सीट बेल्ट वार्निंग देखने को मिलेगी, ऑटोमेटिक डोर लॉक मिल जाता है ओवर स्पीड पे, साथ ही साथ ये 1 बीप करेगा 80 पे और 120 पे गाड़ी कंटिन्यू बीप करेगी। इसके अंदर ब्रेकिंग की बात करें तो इसके अंदर ABS मिलता है और EBD मिल जाता है। ये सेफ्टी वाइज इसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं आपको। फ्रंट सीट को फटाफट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूं मैं, तो देख सकते हैं नी रूम अच्छा खासा मिल जाता है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। मेरी हाइट 5'11" है। हेडरूम मुझे इसके अंदर अच्छा खासा मिल जाता है। कुशनिंग की बात करें तो फैब्रिक सीट काफी अच्छी मिल जाती है इसी के अंदर। और पर्टिकुलर इस वेरिएंट के अंदर एक चीज और ध्यान रखें, इसके अंदर आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं जो म्यूजिक सिस्टम के साथ मिलते हैं। इस साइड में आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है चारों पैसेंजर के लिए, पीछे की साइड में 2 ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं और इस साइड मिल जाता है, तो इसके अंदर आपको चारों पैसेंजर के लिए इसके अंदर ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे। आपको 2 मैनुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। अब चलते हैं पीछे की साइड में, कितना क्या स्पेस मिलता है उस बारे में बात करते हैं। रियर डोर जो है इतना वाइड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्पेस, विंडो के कंट्रोल, सिल्वर फिनिश में हैंडल, 1 लीटर की बोतल, स्पीकर की प्लेसमेंट, बैठने उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेडान है वैसे भी। तो नी रूम अच्छा खासा, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा, हेडरूम थोड़ा कम मिलता है पीछे के साइड में, तो एकदम रूफ ऐसे हो जाती है तो थोड़ा पीछे कम आपको स्पेस मिलता है हेडरूम में। लाइट की बात करें तो यहाँ हैलोजन बेस लाइट मिल जाती है। रियर से डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। आइसोफिक्स के लिए यहाँ पे सीट के लिए माउंट मिल जाता है। तीनों पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पे सीट बेल्ट देखने के लिए मिल जाएगी।
यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा जो लगा सकते हैं बाद में छोटा सा हम, तो तीन जने आप आराम से बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसके अंदर। अब चलते हैं बूट की तरफ में, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है, इस टाइप का एलो व्हील देखने के लिए मिल जाता है, रियर प्रोफाइल कुछ ऐसी देखने की मिलती है, सेंटर में होंडा का लोगो, इधर अमेज लिखा मिल जाएगा, आईवी टेक के यहाँ बैज मिल जाता है आपको, फिर इसके अंदर चार पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे इस वेरियंट के अंदर। आपको एक कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ देखने के लिए मिलती है इसके अंदर, यहाँ पे आपको दो लाइट मिल जाती है जो हेलोजन बेस मिलती है नंबर प्लेट के लिए। यहाँ पे बूट के अंदर भी एक लाइट मिल जाएगी, 420 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। स्पेयर व्हील की बात करें तो ये इनसाइड मिलता है और ये देख सकते हैं इस टाइप का आपको इसके अंदर स्टील रिम मिलेगा। इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो 175/65 R15 15 इंच का आपको स्टील रिम मिलता है सेम टायर प्रोफाइल के साथ, तो यहाँ के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, कहीं आपकी गाड़ी का टायर पंचर होता है तो सेम टायर प्रोफाइल के साथ मिलता है आपको। यहाँ पे आपको हाई स्टॉप लैंप मिल जाएगा, डिफोगर देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 37 लीटर का पेट्रोल का टैंक देखने के लिए मिल जाता है आपको। इस साइड से कुछ ऐसी प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है। अब गाड़ी का हुड ओपन करते हैं और इंजन की बात करते हैं। हुड ओपन होने के बाद इंजन में कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ नीचे की साइड में देख सकते हैं इंजन पूरा ऐसा देखने को मिलेगा, नीचे से आपको इंजन जो है ये पूरा ओपन मिलता है। इसके अंदर जो इंजन मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर वाला इंजन मिलता है, IVT गियरबॉक्स के साथ में पेट्रोल के अंदर, BA6 phase 2 वाला आप इंजन देख रहे हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव मिलता है जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 89 BHP। टॉर्क की बात करें तो 110 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये ARI ने इस गाड़ी का एवरेज क्लेम करा है 18.6 किलोमीटर का, साथ ही साथ 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। अब हुड को बंद करते हैं, फिर गाड़ी की एक्सशोरूम प्राइस की बात करते हैं। ऊपरी साइड में यहाँ पे इंसुलेशन नहीं मिलता आपको, वैसे इंजन काफी साइलेंट है, आपको पता ही है होंडा का पेट्रोल इंजन, होंडा अमेज VX वेरिएंट पेट्रोल प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन की, इसकी एक्सशोरूम प्राइस मिलती है आपको 8,92,000 एक्सशोरूम सिक्कर के अंदर। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।